नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को खुलने वाले हैं और इस बार बाबा बद्री विशाल का भवन शामली के मारूफ खान के फूलों से महकेगा। शामली के प्रगतिशील किसान मारूफ आलम खान अपनी फूलों की खेती से पूरे देश में नाम कमा रहे हैं। मारूफ खान ने बताया कि उन्हें शुरू से ही फूलों से बहुत इश्क है और वह घर में फूल लगाया करते थे। एक रोज मुजफ्फरनगर में प्रदर्शनी मेला लगा हुआ था, जहां पर वह अपने फूलों को लेकर गए तो वहां पर लोगों ने उनके फूलों की काफी सराहना की और उन्हें सलाह दी कि बिजनेस के तौर पर फूलों की खेती अगर आप करें तो अच्छा होगा। वही दिन मारूफ खान की जिंदगी का प्रेरणादायी बन गया था और लोगों की सलाह से प्रेरणा लेते हुए वह फूलों की खेती करने लगे। मारूफ खान का कहना है कि हमारा क्षेत्र गन्ना बहुल्य क्षेत्र है, लेकिन वह उसके बावजूद फूलों की खेती करते हैं क्योंकि गन्ने की फसल साल भर में महज 15,000 बीघे लगभग देती है और उसका पैसा भी एक साल बाद मिलता है, जो उनके लिए फूलों की निराई गुड़ाई और मंडी में फूल बेचने जाना, फूलों का बंडल बनाना आदि काम में लगे रहते हैं। 2001 से कर रहा हूं और प्रेरणा की बात है कि मुजफ्फरनगर में एक एग्जीबिशन थी, वहाँ मैं घर में जो अपने पौधे उगाता था फुलवारी के, गुलदाउदी के, तो वहाँ मैं गया मुजफ्फरनगर, प्रदर्शनी थी, उसमें मुझे अवार्ड मिला। तभी से मैंने, अच्छा जैसे अवार्ड मिला तो मुझे कुछ आदमियों ने कहा कि आप इसे बिजनेस पर्पज से भी लाइएगा, तो तब से मुझे इसका वो हुआ और तब से फिर मैं 2001 से ये कर रहा हूँ। कितने किस्म के फूल हैं आपके? ये सर मेन तो मैं ट्यूब रोज, रजनीगंधा कहते हैं हिंदी में, और प्लस ग्लाइडुलस, ये बोता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से फूल बोते हैं, बागीची आपने सजाई है, इसमें फूल कोई विदेश के भी हैं? हाँ हाँ हाँ, ये सब 100% ये सब विदेशी हैं, ये इंपोर्ट किए हुए हैं हॉलैंड से, और आप देख ही रहे हैं तरह तरह के, इसमें 60 तरह के फूल उगे हैं इसमें बगीचे में। अच्छा, इस बार पता चला है कि आप जो है बद्रीनाथ धाम पर? जी 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 जी, हाँ हाँ सर, मेरी इच्छा है 15 मई को कपाट खुलेंगे और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे भी फूल जाएं वहाँ, और मैं व्यवस्था कर रहा हूँ 15 मई के लिए बाबा जी के दर्शन हमारे फूलों से हों। तो कैसे, मतलब किस तरीके से रहेगा फूलों का? फूलों का सब मैं यहाँ से 15 तारीख से पहले अरेंज करूँगा, गाड़ी से यहाँ से भेजूँगा मैं, और करीब मैं 2-2.5 लाख रुपये के ये फ्लावर अपने यहाँ से और बाबा जी के यहाँ मैं भेजूंगा, और मेरी खुशनसीबी होगी कि वहाँ पे फूल जाएंगे और मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। अच्छा, कितने बीघा जमीन है आपके पास जिस पे आप खेती कर सर रहे? मैं तो करीब 60-65 बीघा मैं जमीन में खेती कर रहा हूँ, उसमें ट्यूब रोज और प्लस ग्लाइडुलस बोता हूँ। अच्छा, कितनी लागत आती है पर बीघा और कितना इनकम हो जाती है जिससे दूसरे लोग भी इस चीज से इंस्पायर हो आपके? लागत सर इसमें ट्यूब रोज में तो कम आती है, 12,000 बीघा का बीज लगता है इसका, अदरवाइज 2-4,000 रुपये और लगा लीजिए। और रही इसकी ग्लाइडुलस की, ग्लाइडुलस थोड़ा महंगी खेती होती है और ये इसका 2-3 रुपये तक सीड्स आता है, और जो कि 3 महीने चलता है, 3 महीने में इसकी स्पाइक मिल जाती है, और ट्यूब रोज 12 महीने चलता है। रही इनकम की बात, इनकम जो है इसकी बहुत अच्छी है, हमारी गन्ना बेल्ट है, गन्ना बेल्ट में जो है इतना पैसा गन्ने में नहीं मिल पाता, इससे 5-6 गुना फूलों से हम ले लेते हैं। अच्छा, क्या मानते हैं कि जिस तरीके से गन्ने का पेमेंट के लिए किसान धरने पे आते हैं, हावला रहता है, सरकार पर भी उंगली उठती है, फूलों की तरफ लोग आकर्षण नहीं करते? हाँ, मेरा युवाओं से यही आह्वान है कि खेती में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, जैसा मैं फ्लावरिंग का कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है इसमें और बहुत ही बहुत मज़ा आ रहा है एक किस्म से, और मैं चाहता हूँ सभी युवा किसानों से आप भी इस तरफ बढ़ें, फूलों की खेती में बहुत संभावना है, बहुत पैसा है, एक परंपरा छोड़ करके ही की फूलों की तरफ आए। अच्छा, कितने साल से आप ये कार्य कर रहे हैं? मैं सर 21 साल से कर रहा हूँ लगभग। 21 साल जी। तो क्या संदेश देना चाहते हैं किसानों को? जैसे किसानों से मैं ये कहूँगा कि जो बेरोजगार है वो इस काम में जुड़े, और इसका जो है जिनके पैदा भी नहीं होते वो इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, दिल्ली मंडी में फूल जाते हैं, वहाँ जो ग्रोवर हैं वो कम हैं और सेल आउट करने वाले ज़्यादा हैं, तो उन्हें भी इसे रोज़गार मिल रहा है। दिल्ली मंडी में 2 करोड़ रुपए का डेली का कैश काउंटर है और वहाँ कम से कम 2,000 आदमी काम करते हैं और इस पे रोजगार से भी बहुत आदमी जुड़ा हुआ है। अच्छा, जो रजनीगंधा का जो मंडल बनता है उसमें कितने फूल? हाँ सर, वो जो कितने रुपए का बिकता है? हाँ सर, वो उसमें रजनीगंधा जो होती है वो 2 दर्जन बनता है, 2 दर्जन ग्लाइडुलस बनता है,
दो दर्जन बनने के बाद में उसकी पैकिंग होती है, उसे पानी में रखा जाए जब दिल्ली मंडी गाजीपुर जाता है। अच्छा सर, एक बात बताना पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप खेती करते हैं जी, आपने पहले जिस तरीके से स्टार्टिंग की होगी जी, कुछ लोगों ने हताश भी किया होगा कि किसान हाँ, लेकिन आपने जिस चीज को एक मान के आगे चले। हाँ सर, आज उसी का नतीजा है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। लोगों ने कहा भी, कहने लगे ये फूल वूल तो कुछ नहीं होते, तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और मैं अपना जज्बा कायम रखा और आज उसका नतीजा है कि आप लोग यहाँ मेरे पास आए हैं, कुछ समझ करके ही आए हैं, कुछ सुन करके ही आए हैं, ये मेरी खुशनसीबी है। परिवार का कितना सपोर्ट मिला आपको? परिवार का फुल्ली सपोर्ट मिला, परिवार से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सम्मानित भी किया गया? जी जी, जिलाधिकारी से और सांसद हमारे यहाँ के, उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया है। मुजफ्फरनगर की नई मंडी स्थित वैदिक पुत्री पाठशाला इंटर कॉलेज में पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम हेतु विद्यालय से एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय की अनेक छात्राओं ने रैली में भाग किया, जिसके अंतर्गत रैली में विद्यालय की NCC कैंडिडेट्स ने मनमोहक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें सिमरन, वंशिका, कौशिक, रेणु, गोल्डी, शाहीन, मुस्कान ने भाग लिया। वह भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें तरन्नुम, रीचा, आर्य, सोनिया प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें सुदीप कुमार प्रधानाचार्य SD कॉलेज द्वारा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें उषिका शर्मा, सलोनी, मंतशा प्रथम, द्वितीय, तृतीय रही। विद्यालय में पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण भी किया गया। इन सभी कार्यक्रमों में विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेश कुमारी व रेखा रानी, सुशीला रानी का काफी योगदान रहा। वे विद्यालय की सभी अध्यापिकाएं, कर्मचारी गण भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काफी योगदान किया। आज ये हमारा पर्यावरण जन जागरूकता का कार्यक्रम है जो हमारे पास आया हुआ है, और इसके अंतर्गत हमें ये आदेश आए हैं कि हमें इसके अंतर्गत भाषण प्रतियोगिता है, ड्राइंग प्रतियोगिता है, या फिर रैली है, जैसे बच्चों ने नुक्कड़ नाटक किया और भाषण प्रतियोगिता भी की, तो आज हमने अपने चार प्रोग्राम किए हैं। और हमने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बच्चों में यही मैसेज दिया है कि वो अपनी तरफ से एक एक वृक्ष ज़रूर लगाएँ, और हमने आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा है। तो यही है कि अगर हम सब सजग हो जाएंगे और पर्यावरण के प्रति सब थोड़ा थोड़ा योगदान यदि करें, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम इस पर्यावरण को संभाल लेंगे। इसमें बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया? हाँ, बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया है, और प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो बच्चे आए हैं विभिन्न प्रतियोगिताओं में, उन्हें हमने उसी प्रकार से पुरस्कार रखे हुए हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचकर ऑल इंडिया मुताहिदा महाज के पदाधिकारियों ने वसीम रिजवी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा, जिसमें अध्यक्ष शाहनवाज आफताब ने बताया कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाने से संबंधित एक जनहित याचिका दाखिल की है। वसीम रिजवी द्वारा दीनी किताब कुरान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी लेकर जहां पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश और रोष है, वहीं देश भर में वसीम रिजवी पर कानूनी कार्यवाही कर गिरफ्तारी की मांग उठाने लगे हैं। शाहनवाज आफताब का कहना है कि वसीम रिजवी ने दीनी किताब कुरान पर जो विवादित टिप्पणी की है, उससे समूचे मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश है। कहीं न कहीं वसीम रिजवी के पीछे किसी राजनीतिक पार्टी या दुश्मन देश का हाथ है, जो भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारे में जहर घोलना चाहता है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी और धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की जा रही है। आज जो ज्ञापन दिया गया है वो ऑल इंडिया मुत्तहिदा महाज की तरफ से दिया गया है। वो वसीम रिजवी, जिसने कलाम पाक की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है, उसके खिलाफ हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। हमने मांग की है कि वसीम रिजवी एक शर्मसार इंसान है, वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी खुराफात अपने राजनीतिक काकाओं के कहने पर कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है। उसके खिलाफ जिस तरीके से उसने 26 आयतें हटाने के लिए कहा है, तो उसका जिससे अब हमारे मुल्क में किसान आंदोलन चल रहा है और बेरोजगारी काफ़ी मुद्दे हैं इस तरह के, तो उन मुद्दों को हटाने के लिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उसने ये हरकत की है। तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या?
नहीं, मैं यकीन है इंशाल्लाह हमारे मुल्क में, हमें अपने संविधान पे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हिंदू मुसलमान सब लोग कलाम पाक का बड़ा एहतराम करते हैं और हमें यकीन है कि ये रिट खारिज होगी। हम चाहते हैं, इमाम अहमद साहब मांग करते हैं कि उसके खिलाफ रसवाई कार्रवाई हो। मुजफ्फरनगर के अंतर्गत थाना चढ़थावल पुलिस ने दो अलग अलग स्थानों से दो आरोपियों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों का चालान कर जेल भेज दिया है। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चढ़थावल पुलिस ने अवैध शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चढ़थावल थाना प्रभारी एमपी सिंह के नेतृत्व में हिंडन चौकी इंचार्ज मोहित तेवतिया ने हिंडन पुलिस के पास से गश्त के दौरान रोहित पुत्र मुन्ना निवासी मथुरा को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं कुटेसरा चौकी इंचार्ज ओमेंद्र सिंह ने चौकड़ा कसोली मार्ग से बबलू पुत्र समय सिंह निवासी ग्राम चौकड़ा थाना चढ़थावल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से भी अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों का चालान कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के चढ़थावल विकासखंड के ग्राम नगलाराई में आयोजित 36 बिरादरियों के कार्यक्रम में ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी अफसरून का ग्रामीणों के द्वारा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। वहीं समर्थन देने वालों का भी भव्य स्वागत हुआ। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चढ़थावल विकासखंड के ग्राम नगलाराई में 36 बिरादरियों की एक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में 36 बिरादरी के लोगों ने ग्राम प्रधान पद के लिए अफसरून डीलर को उम्मीदवार घोषित किया तथा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इसके अलावा समर्थन देने वालों का भी स्वागत किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चढ़थावल पुलिस ने मात्र 8 घंटे में गायब नव युवक को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने नव युवक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया, जिससे परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लौट गई। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के थाना क्षेत्र चढ़थावल के कस्बा चढ़थावल का है, जहां नोमान मलिक पुत्र मुगनी ने थाना चढ़थावल पुलिस को बताया कि उसका पुत्र इजमाम उम्र करीब 18 वर्ष नाराज होकर घर पर किसी को बिन बताए कहीं चला गया था, जिसको थाना चढ़थावल पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मात्र 8 घंटे में जनपद देहरादून से सकुशल बरामद किया गया तथा आज थाना चढ़थावल पुलिस द्वारा इस इमाम को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मेरा मानना इमाम मलिक 15 फरवरी में घर से दिन बताए चला गया था, जिसके संबंध में 17 फरवरी को हमने संबंधित थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस के सहयोग से हमारा भांजा मात्र 7-8 घंटे में ही सकुशल बरामद कर लिया गया। इस संबंध में हम कप्तान साहब, कोतवाल साहब और संबंधित पुलिस अधिकारीगण का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के चढ़थावल कस्बे के श्रृंगार वाटिका में मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु 100 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं समारोह में मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों व बच्चों को सम्मानित किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चढ़थावल कस्बे में श्रृंगार वाटिका में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु 100 दिन के विशेष शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ चढ़थावल नगर पंचायत के चेयरमैन सत्येंद्र त्यागी, खंड शिक्षा अधिकारी नीलम तोमर, डाइट प्रवक्ता राजीव कुमार ने माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने शानदार कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे चढ़थावल नगर पंचायत चेयरमैन सत्येंद्र त्यागी, राज्य मंत्री विजय कश्यप के प्रतिनिधि अनुज त्यागी, मास्टर कुशल पाल त्यागी, सिंपल त्यागी, चढ़थावल देहात ग्राम प्रधानपति जमशेद, वसीम अंसारी आदि का बुके भेंट कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। ये विकास खंड की ओर से हमारे जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनके संयोजक के रूप में एक मिशन प्रेरणा प्रोग्राम था,
जिससे कि जो प्राइमरी स्कूल है उनके कायाकल्प के बारे में, बच्चों की नई नीति, नई शिक्षा के बारे में, उनके रहन सहन के स्तर के बारे में, विद्यालय कैसा हो, हमारे विद्यालय के माहौल कैसे हों और किस तरह शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जाए, उसके ऊपर विचार गोष्ठी थी। ज्ञानोत्सव समारोह है ये, इसका आयोजन इसलिए किया गया है कि हमारे बच्चे कोविड पीरियड में कम से कम लगभग एक साल हो गया है जो घरों में ही कैद हो गए थे, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 100 दिन का कैंपेन है, जिससे जन प्रसार हो, इसका प्रचार हो और बच्चे जागरूक हों और विद्यालय में वो आएँ दोबारा से। इसलिए ये कि प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह 100 दिवस का जो है कैंपेन के रूप में मनाया जा रहा है। मैडम, अभी तक कई स्कूलों में जो आपने बताया नहीं, कायाकल्प का हमारे यहाँ लगभग 90% काम हमारा हो चुका है। मूलभूत अवस्था अपने सब पूर्ण है, सिर्फ एक दिव्यांग शौचालय जिसके ये थोड़ा बचे हुए हैं, हमारे 17 स्कूल के आसपास जो बचे हुए हैं उनमें भी हमारे पंचायती राज विभाग की तरफ से BDO साहब के सहयोग से कार्य निर्माणाधीन है। ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ पर कि हमारे ये मूलभूत अवस्था अपना सुविधाएँ ना हों। शिक्षक जो अभी पीछे लॉकडाउन लगा था उसको, उस प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे? हाँ, सभी अपने पूर्ण मनोयोग से लगे हुए हैं और मैं आशा करती हूँ कि वो पूर्ण करेंगे निर्धारित समय। ये जो प्रोग्राम है ये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय महानिदेशक महोदय के दिशा निर्देशन में चलाया जा रहा है, जैसे कि BO मैडम ने बताया भी, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो कोविड काल में बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं, तो उनको एक सामान्य धारा में लाने के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया है उसमें प्रिंट रिच मटेरियल है, आधारशिला के मॉड्यूल्स हैं, शिक्षक संदर्शिका है, सहज है, गणित किट है, बहुत सारी चीज़ें विभाग द्वारा हमारे विद्यालयों को दी गई हैं, जिससे जिसका उपयोग करके हम बच्चों को एक मुख्य धारा में ला सकें और जो प्रेरक प्रदेश बनाने की दिशा में एक प्रोग्राम है उसको हम समय से पूर्ण कर सकें और हमारे सभी अध्यापक बहुत पूर्ण मनोयोग से उसमें कार्य कर रहे हैं। इस जो प्रेरणा ज्ञानोत्सव का मेन उद्देश्य है वो यही है कि समाज में प्रचार प्रसार हो और जो हमारे विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं वो गांव में जाके उस चीज़ का प्रचार प्रसार करें, हमारे विद्यालयों में छात्र संख्या स्टेबल रहे और हमारा वो लोग सहयोग कर सकें। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र के जिला पंचायत वार्ड 14 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी रवि पुंडी ने जिला पंचायत चुनाव के लिए जनसंपर्क करते हुए ग्रामवासियों से सहयोग की अपील की। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के वार्ड नंबर 14 से जिला पंचायत के प्रत्याशी और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडी ने कई गाँव में जनसंपर्क करते हुए आगामी चुनाव में ग्रामवासियों से सहयोग की अपील की। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव कुलेड़ी में आयोजित ऑल इंडिया मुशायरे में शिरकत करने पहुंचे नन्हे शायर अदनान प्रतापगढ़ी व नजमे हसन प्रतापगढ़ी का पूर्व जिला पंचायत सदस्य सलीम अहमद के द्वारा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव कुलेड़ी में ऑल इंडिया मुशायरे में प्रतापगढ़ से शिरकत करने पहुंचे मशहूर शायर नजमे हसन प्रतापगढ़ी और नन्हे शायर अदनान प्रतापगढ़ी का चरथावल क्षेत्र में पहुंचने पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य और वर्तमान में जिला पंचायत प्रत्याशी सलीम अहमद और उनकी पूरी टीम ने जोरदार स्वागत किया। मैं पूर्व सदस्य जिला पंचायत निवासी कुलेड़ी, मेरे द्वारा और कुछ गांव के गणमान्यों द्वारा ग्राम कुलेड़ी में ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से बहुत ही मशहूर शायर नजमुल हसन प्रतापगढ़ी, अदनान प्रतापगढ़ी, सलीम अहमद सलीम देवबन और गुलजार जिगर देवबन, बड़े बड़े मशहूर शायर तशरीफ़ लाए और बहुत ही विशाल और अच्छा प्रोग्राम किया गया, जिसमें सभी ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मुशायरे को आखिरी मकाम तक।
सहारनपुर के गागलेडी थाना क्षेत्र के गांव कैलाशपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में प्रेरणा ज्ञानोत्सव संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दर्जा प्राप्त मंत्री जसवंत सैनी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां पेश की। उच्च प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम सरकार की मंशा के अनुसार अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षित करना, संसाधनों से विद्यालय को सुसज्जित करना है। दर्जा प्राप्त मंत्री जसवंत सैनी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं थी, आज सरकार ने विद्यालय को मॉडल स्कूल में बदल दिया है। आज का यह उत्सव वाकई प्रेरणादायक उत्सव है। प्राचार्य राज सिंह यादव ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन करने से दूसरों को प्रेरणा मिलती है और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जन जन को जानकारी व उसका लाभ मिलता है। कार्यक्रम में विद्यालय में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक सपना है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश बने, इसके तहत शिक्षा विभाग में नए नए प्रयोग के तहत बेसिक शिक्षा में काफी सुधार हो, जिसके लिए आज पूरे प्रदेश के समस्त ब्लॉक में एक साथ प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग ने जो विगत इधर दो वर्षों में काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे कि बच्चों को शिक्षा के लिए मिशन प्रेरणा चलाया जा रहा है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत समस्त बच्चों को लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड किए गए हैं, अध्यापकों की सुविधाओं के लिए उसमें मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से सारी छुट्टियाँ ऑनलाइन की गई हैं, वो घर बैठे स्कूल में बैठे अपनी छुट्टियों को ऑनलाइन देख सकते हैं, साथ ही उनकी सर्विस बुक भी ऑनलाइन है ताकि घर बैठे शिक्षक को कोई परेशानी न हो। साथ ही साथ मिशन प्रेरणा के तहत ही ऑपरेशन कायाकल्प भी चल रहा है, जिसके तहत विद्यालय जितने भी हमारे हैं वो काफ़ी सुसज्जित हुए हैं। उनमें 14 पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड अच्छे हों, साथ ही विद्यालय आकर्षक हो, फर्नीचर की उपलब्धता हो, किचन हो, सब में टाइलीकरण की व्यवस्था है, बालक बालिका शौचालय हो उसमें टाइल्स लगी हुई हो, तो मतलब पूरे प्रांगण को सुसज्जित करना है और काफ़ी देखा भी जा रहा है। इधर ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 14 पैरामीटर पर विद्यालयों में काफ़ी बदलाव आया, तो ये चीज़ें जन जन तक पहुंचाने के लिए, साथ ही मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो ऐसे बच्चे हैं सेट 2 की परीक्षा बीच बीच में आयोजित की जा रही है, जिसमें जो मेधावी छात्र हमारे निकल के आए थे उन छात्रों को भी सर्टिफिकेट दिया गया है, और जो मिशन प्रेरणा के तहत जो हमारे अच्छे शिक्षक हैं जिन्होंने एक COVID-19 के समय कोरोना काल में विद्यालय काफ़ी समय तक बच्चों के लिए बंद रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से अथवा मोहल्ला क्लास लगा लगा के गांव में बच्चों को पढ़ाया, जिससे कि उनकी पढ़ाई बाधित न हो, तो ऐसे नवाचारी शिक्षकों को भी यहाँ पर पुरस्कृत किया जा रहा है और उनको सर्टिफिकेट प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही जो ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जिन प्रधानाध्यापकों ने प्रधान जी के तालमेल से, प्रधान जी से, सेक्रेटरी महोदय से, रेडियो पंचायत से, वीडियो साहब से मिल करके समाज के जागरूक व्यक्तियों से समन्वय स्थापित करके विद्यालय को आकर्षक और सुसज्जित बनाया है, ऐसे प्रधानाध्यापकों को भी यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है, जिससे कि जो भी हमारे शिक्षक हैं, जो बच्चे हैं, वो अच्छा काम किए हैं, तो उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि जो पूरे ब्लॉक के हमारे अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, वो भी इन कार्यक्रम से प्रोत्साहित होकर के और अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करेंगे और अपना स्कूलों में बच्चों के लिए, उनके अच्छे से भविष्य को संवारने के लिए और कड़ी मेहनत करते हुए, और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय हमारे महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद सर का जो उद्देश्य है कि हमारा प्रत्येक विद्यालय प्रेरक विद्यालय बने और साथ के साथ ब्लॉक प्रेरक हों और जिला प्रेरक बने सहारनपुर हमारा, और साथ ही पूरा प्रदेश हमारा प्रेरक प्रदेश के रूप में बन सके, उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सभी का इसमें सहयोग अपेक्षित है। अमरोहा के झम्मालाल महाविद्यालय के स्वयं सेवियों द्वारा प्रथम सत्र के 7 दिवसीय शिविर के द्वितीय दिवस पर गांव रामपुर भूड़ में शिविर का आरंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया गया। तत्पश्चात बलजीत कौर ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, लक्ष्य गीत गाया गया। इस अवसर पर शिविर में कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर नीतीश शर्मा ने स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए गंदगी से होने वाली बीमारियों के प्रति सचेत किया। स्वच्छता ही अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है, गांव को स्वच्छ रखने के लिए हमें स्वयं सफाई करना है व सफाई के महत्व को भी बताना है। डॉक्टर हितेश कुमार ने द्वितीय सत्र में टोलियों में विभाजित होकर बच्चे गांव में जगह जगह गंदगी के ढेर साफ करके नालियां साफ की और गांव वालों को जागरूक किया।
आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।